संसाधन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयुक्त की जा सकती है उसे संसाधन कहा जाता है। जैसे कोयला, जल, वायु, खनिज आदि सभी संसाधन के कुछ उदाहरण हैं। एबायोटिक रिसोर्सेज यानी अजैव संसाधन, वे सभी संसाधन हैं जो निर्जीव वस्तुओं से बने हुए हैं। निर्जीव वस्तुओं से बने हुए संसाधनों को अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे भूमि, जल, मिट्टी, खनिज आदि। एफोरेस्टेशन किसे कहते हैं? वन रोपण। वन रोपण का अर्थ है अधिक वृक्ष लगाना। बायोटिक रिसोर्सेज जैव संसाधन, वे हैं जिनमें जीवन व्याप्त है। वनस्पति, कृषि, फसलें, प्राणी जगत, मत्स्य, मछलियाँ, जीव जंतु आदि सभी जैव संसाधनों के कुछ उदाहरण हैं। बैड लैंड इसे कहा जाता है, जो भूमि कृषि के योग्य नहीं होती, खेती नहीं की जा सकती, जिस पर उसे हम बैड लैंड कहते हैं। कंजर्वेशन क्या है? इसे हिंदी में संरक्षण बोलते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का अर्थ है उनका विवेकपूर्ण उपयोग करें। जितना उपयोग है उतना ही उपयोग करें, उन्हें हम वेस्ट ना करें, इसे संरक्षण कहा जाता है। फैलोलैंड वह भूमि होती है जिसे जुताई की कर करके फसल की उगाई जा सकती है, या एक मौसम के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि फिर से वह उपजाऊ हो जाए। गली इरोजन क्या है? जब बिना फसल की भूमि पर बहता जल गहरी नालिकाएं बनाता है तो वह अवनालिका अपरदन होता है। ऐसी भूमि जोतने के योग्य नहीं रह जाती है। भूक्षरण किसे कहते हैं? लैंड डिग्रेडेशन। भूमि का जोतने के अयोग्य होना भूक्षरण कहलाता है। जिस भूमि पर हम फसल नहीं उगा सकते उसे भूक्षरण कहते हैं। बात आ जाती है रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हैं? जिन रिसोर्सेज को दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, वन है, कृषि उत्पादन आदि रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं। मैन मेड रिसोर्सेज ये वो संसाधन हैं जो मनुष्य के द्वारा मशीनों की सहायता से विकसित किए गए हैं। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति से प्राप्त विभिन्न प्रकार की देन, जैसे भूमि, जल, वनस्पति, वन, खनिज आदि सभी हमें प्रकृति ने प्रदान किए हैं, इसलिए ये प्रकृति के द्वारा दिए गए मुफ्त उपहार हैं और इन्हें नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। अनवीनीकरण योग्य संसाधन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो एक बार उपयोग करने पर दोबारा नहीं बनाए जा सकते, जैसे कोयला, तेल, खनिज, लौह, अयस्क, तांबा आदि। रेवाइंस क्या हैं? खड्ड क्या हैं? मृदा अपरदन के कारण यह भूमि कृषि योग्य नहीं रह जाती, उसे रेवाइंस कहा जाता है। रिसोर्स प्लानिंग, यह संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए एक सभी के द्वारा अपनाई गई रणनीति होती है, यानी कि हमारे संसाधनों को अच्छे से उपयोग करना रिसोर्स प्लानिंग कहा जाता है। मृदा, सॉइल किसे कहते हैं? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है जो महीन विखंडित शैल चूर्ण से बनी होती है, यानी मिट्टी होती है और पौधों के लिए उपयोगी होती है, उसे मृदा कहा जाता है, मिट्टी कहा जाता है, सॉइल कहा जाता है।
बात आती है कि सॉइल इरोजन क्या है। हिंदी में इसे मृदा अपरदन कहा जाता है। प्राकृतिक कारक होते हैं जैसे वायु, जल, मिट्टी, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, इसी को मृदा अपरदन कहा जाता है। अनकल्टीवेबल लैंड, जिस भूमि पर खेती नहीं की जा सकती या जो भूमि बिना जोते रह जाती है उसे अनकल्टीवेबल लैंड कहते हैं, न जोतने योग्य भूमि। शेल्टर बेल्ट्स क्या हैं? रक्षक मेखला, फसलों के बीच में पेड़ों की कतार लगा दी जाती है, उसे रक्षक मेखला कहा जाता है। रिसोर्सेज की बात मैं पहले बता चुकी हूँ, संसाधन क्या हैं? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, आप जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है उसे हम मान्य संसाधन कहते हैं। स्टॉक क्या है? पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं उन्हें हम भंडार कहते हैं। इंडिविजुअल रिसोर्सेज, इंडिविजुअल रिसोर्सेज जिन पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है, जैसे आपका प्लॉट, खेत, घर, कार, पुस्तक आदि सभी आपके निजी संसाधन कहे जाएंगे। कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज किसे कहा जाता है? कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज जैसे तालाब हैं, पब्लिक प्लेसेज हैं, सार्वजनिक पार्क हैं, खेल के मैदान, ये सभी कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज कहा जाता है। नेशनल रिसोर्सेज क्या हैं? ये सभी रिसोर्सेज या राष्ट्रीय संसाधन जो केंद्रीय सरकार के या राज्य सरकार के नियंत्रण में होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन इनका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के हाथ में होता है। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज यानी संभावित संसाधन वो होते हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान तो हैं, यानी उपलब्ध तो हैं, लेकिन इनका अभी उपयोग नहीं किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान में सौर ऊर्जा संसाधन की अपार संभावना है, लेकिन अभी इसका पूरी तरह से विकास नहीं हुआ है। विकसित संसाधन, डेवलप्ड रिसोर्सेज किसे कहते हैं? डेवलप्ड रिसोर्सेज किसे कहते हैं? ये संसाधन जिनका पूरी तरह से खोज की जा चुकी है, सर्वेक्षण किया जा सका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। मान लीजिए भारत के पास कुल 24 लाख करोड़ टन कोयला है, उपलब्ध है, तो यह हमारा डेवलप्ड रिसोर्सेज में आएगा, यानी कि हम इतने इसे प्राप्त कर चुके हैं और हमें पता भी है कि हमारे पास इसके इतने भंडार हैं, स्टॉक है।